हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पी सिंगला एंड आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। हमने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है पहले उसका पढ़ लेते हैं, क्या हमें डिस्कस करना है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी एंड इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो बता देती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर फॉलोइंग्स आर एपी, यानी यहाँ पे इतनी ज़्यादा सीरीज दे रखी है ये जो सारी सीरीज, इसमें हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी एपी हैं। अगर वो एपी हैं, एपी चेक करने के लिए तो हमें डी 2-3 बार निकालना पड़ेगा और उन सबका डिफरेंस सेम है तो हम बोलेंगे वो एपी है। अगर वो एपी है, ये आगे बोल रखा है, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना। उसके बाद इसमें कितनी टर्म्स दे रखी है उसने बोला राइट 3 मोर टर्म्स, यानी 4 टर्म्स तो उसने ऑलरेडी दे रखी, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें 2, 4, 8 एंड 16, तो 4 टर्म्स तो उसने दे रखी है, इसके अलावा 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। ओके, पहला पार्ट देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो पहले हम इसको एपी, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, जब जब क्वेश्चन में ये बोला हो कि हमें चेक करना है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, तो हमें डी कम से कम 2 या 3 बार निकालना है। तो 2 बार निकालने पे अगर डिफरेंस सेम आता है 2-3 बार निकालने पे, तो हम बोलेंगे कि ये एपी है, उसके बाद आगे काम करेंगे। तो एपी चेक करने के लिए सबसे पहले डी मैंने बताया था, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, A4, यहाँ पे 4 टर्म्स दे रखी है। तो D निकालने के लिए सबसे पहले D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है हमारे, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4, A1 की वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 इज 2। अब ये D1 निकाला एक तरह से, अब D2 निकालते हैं, D2 निकालेंगे तो वही A3 माइनस A2, मतलब मैंने इस, तो हमने इन फर्स्ट 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है इसको D1 मान लिया, इन दोनों के टर्म्स का जो डिफरेंस है इसको D2 मान लिया है। तो D2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो डिफरेंस होगा A3 माइनस A2। अब देखेंगे A3 की वैल्यू इज 8 एंड A2 की वैल्यू इज 4, तो 8 माइनस 4 इज 4। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम D3 निकालेंगे नहीं पहली बार। तो अगर यही दोनों इक्वल आते तो हम D3 एक बार देख लेते कि वो भी इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन अगर ये दोनों ही इक्वल ना है तो D3 की तरफ बढ़ना ही नहीं है। तो लिखेंगे दिस इज नॉट एन AP, इससे पहले ये लिखना है D1 नॉट इक्वल्स टू D2, तो दिस इज नॉट एन AP, तो दिस इज नॉट एन AP इसलिए बोला। अब इसके आगे तो हमें काम करना ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला इफ दे फॉर्म AP तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, लेकिन जब AP ही फॉर्म नहीं करनी तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सीरीज दे रखी है, हमें चेक करना है दिस इज AP और नॉट। तो सबसे पहले ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, दिस इज A3 एंड दिस इज A4, तो हमें चेक करना है D निकालेंगे, यानी D1 बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैं D1 और D2 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा या नहीं। तो इसके डिफरेंस को D1 बोल रहे हैं, इसके डिफरेंस को D2 बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू इज 5/2 माइनस A1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसको 1 लिख सकते हैं, इन दोनों का LCM हो जाएगा 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 5, माइनस इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 2 2 यानी 2 आ रहा है, 2 2 4, तो 1/2 हो गया। अब D2 निकालते हैं, D2 मतलब D2 यहाँ देख सकते हैं A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5/2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख सकते हैं, इन दोनों का LCM आ जाएगा हमारा 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2 2 3 6, माइनस इन दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1 1, को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 1/2। आप देख सकते हैं इधर भी 1 है, 1/2 है, इधर भी 1/2 है, और वैसे भी आप खुद से भी सीरीज को एक बार देख सकते हैं कि सीरीज में हमारा जो है हाफ हाफ का डिफरेंस है सब में, तो हाफ का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा दिस इज एन AP, दिस इज एन AP, अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा D इक्वल्स टू हाफ। अब इसके 3 मोर टर्म्स और फाइंड करनी है, यानी देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं A1 A2 A3 एंड A4 गिवन थी, यानी हमें फाइंड करना है इसके आगे, अगर AP फॉर्म करनी है तो डिफरेंस लिखना है उसके बाद, और उसके बाद हमें A5 A6 और A7 निकालनी है अगर ये AP फॉर्म करती है। तो इस क्वेश्चन में AP फॉर्म कर रही है,
तो हम लिखेंगे A5, A6 और A7 और निकालते हैं। तो अब हमें फाइंड करना है A5, क्योंकि 4 तक तो दे रखी है, 3 मोर टर्म्स के लिए, यानी हमें फाइंड करना है A5, A6 एंड A7। तो A5 फाइंड करने के लिए हमें पता है कि फर्स्ट टर्म को कितने जंप लगाने पड़ेंगे, 4 जंप लगाने पड़ेंगे D पे, तो यानी 4 D का जंप लगाना पड़ेगा तब हम A5 पे पहुंचेंगे। तो A5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 प्लस 4D। अब A1 की वैल्यू मतलब वही जो फर्स्ट टर्म होती है, 2 प्लस 4, और D की वैल्यू हमने देखी थी लास्ट में 1/2 आ रही थी। ओके, तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं 1/2 है, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नंबर, तो इनको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो यू विल गेट 2 प्लस 2 1 2, तो 4 आ जाएगा इसका। अब A6 फाइंड करते हैं, तो A1 प्लस 5D हो जाएगा, 5D, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 होगा, एक माइनस होगा मतलब, तो कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू 2 प्लस 5 और D की वैल्यू 1/2। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस 5 1 5 और डिवाइड में 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 2, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 2 2 2 4, प्लस इन दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1 1 5 5, तो ये हो जाएगा 9/2। अब A7 और फाइंड कर लेते हैं, A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 प्लस 6D, तो A1 की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू में 1/2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो 2 प्लस 3 दैट मीन्स 5, तो ये हमारी A5, A6 और A7 तीनों टर्म्स फाइंड हो गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, मतलब फोर्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें A1, A2, ये A1 है, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4, तो इसके आगे पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं। मैंने जब बताया जब भी AP हमें चेक करना हो तो हमें D1 और D2 निकालना पड़ेगा, अगर D1 और D2 इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये AP है, और AP है तो ये फिर उसके आगे काम करेंगे। तो अभी हम D1 देखते हैं, D1 मतलब इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1, ये नोटेशन है, कई जगह इसको D भी लिखवा देते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप क्या लिखो, मतलब करेक्ट मेथड है इसको एक तरह से D1 लिखे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3.2 A2 की वैल्यू है, ये माइनस साइन ये वाला है, और इधर A1 की वैल्यू खुद नेगेटिव है, तो दोनों साइन को आपको मिलाना नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 0, यानी माइनस का 2.0, माइनस इसलिए है क्योंकि बड़ी वैल्यू पे आ गया माइनस है। तो आप देखते हैं D2 की वैल्यू होगी A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस 5.2, माइनस ये वाला साइन है, और ये A2 की वैल्यू खुद नेगेटिव है, तो ये इधर लिख देंगे। अब माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो आप देख सकते हैं इसका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा, माइनस का 2.0। तो आपने देखा D1 और D2 दोनों सेम है, D1 इक्वल्स टू D2, तो दिस इज एन AP, AP है, तो अब हम A5 निकाल सकते हैं, A1 प्लस 4D हो जाएगा, A1 की वैल्यू कितनी है हमारी इसमें, माइनस 1.2 प्लस 4, और D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2.0, तो कितना आएगा, माइनस 1.2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 2 8, माइनस 8.0, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट माइनस 9.2, ऐड करना है बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने पहले बता रखा है। ओके, अब A6 और A7 और निकालते हैं, A6 निकालते हैं, A6 की वैल्यू निकाल, फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस 5D, A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.2 प्लस 5, और D की वैल्यू कितनी है हमें पता है, माइनस 2.0, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1.2 इन प्लस माइनस माइनस 5 2 10, तो 5 2 10.0 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट माइनस का 11.2, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस, डिजिट तो प्लस हो जाएंगे, तो इनको ऐड करने के बाद सिंबल यानी साइन वही आएगा जो बड़ी वैल्यू के आगे, तो बड़ी वैल्यू हमारी इसमें क्या है, 10 थी। अब A7 और निकाल लेते हैं, A7 की वैल्यू A1 प्लस 6D होगा, क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ 6 होगा, तो A1 की वैल्यू माइनस 1.2 प्लस 6 इंटू में D की वैल्यू माइनस 2.0, तो आपको पता है माइनस 1.2, 6 2 12, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का 12.0, तो आप देखोगे माइनस 13.2 हो जाएगा। तो ये हमारा A5, A6, A7 निकल गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फोर्थ पार्ट देखते हैं।
अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, इसमें ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर दे रखा है। तो सबसे पहले डी वन निकालेंगे, डी वन की वैल्यू होगी ए टू माइनस ए वन। तो आपको पता है दिस इज ए टू एंड दिस इज ए वन, तो ए टू की वैल्यू हमारी सिक्स हो जाएगी, माइनस का सिक्स है। अच्छा, ये साइन हमें एज इट इज रखना है, और ए वन की वैल्यू खुद नेगेटिव है तो उसका ए वन की जगह पर ब्रैकेट लगा देंगे हम, तो माइनस का टेन हो जाएगा। तो माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस और दिस इज टेन। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं तो अब डिजिट ही लिखनी है ओनली, टेन। तो प्लस माइनस माइनस यानी इन दोनों को डिजिट को माइनस करना है, तो टेन में से सिक्स गए फोर, और वो भी प्लस का फोर आएगा क्योंकि प्लस का टेन है। अब ये D1 है, अब D2 निकालेंगे तो D2 की वैल्यू कितनी होगी, A3 माइनस A2 होगा, A3 की वैल्यू कितनी है माइनस टू, तो माइनस साइन ये वाला रखेंगे, और A2 की वैल्यू खुद कितनी है, यहाँ पे A2 की वैल्यू है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस प्लस और ये सिक्स, तो सिक्स में से टू गए फोर, और प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस का सिक्स है यानी बड़ी डिजिट के आगे प्लस है। तो D1 इक्वल्स टू D2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एन एपी, एपी है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू लिखनी है एक बार, फिर हमें ए फाइव और निकालना, ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन निकालना। तो ए फाइव की वैल्यू हमें पता है ए वन प्लस फोर डी होती है, तो ए वन की वैल्यू हमारी माइनस टेन प्लस फोर, और डी की वैल्यू हमारी है फोर, तो आप देख सकते हैं माइनस टेन प्लस फोर, फोर जो सिक्सटीन, तो सिक्सटीन में से टेन गया तो आप को मिलेगा सिक्स। ओके, अब ए सिक्स देख लेते हैं, ए वन प्लस फाइव डी होगा, ए वन की वैल्यू माइनस टेन प्लस फाइव और डी की वैल्यू हमारी है फोर, तो माइनस टेन प्लस फाइव फोर जो ट्वेंटी, तो इसमें कितना आ जाएगा प्लस का टेन हो जाएगा। अब ए सेवन और देख लेते हैं, ए वन प्लस सेवन डी सिक्स डी होगा सॉरी, तो ए वन की वैल्यू हमें पता माइनस टेन प्लस सिक्स और डी की वैल्यू हमारी फोर है, तो सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर प्लस, और इधर माइनस का टेन पहले से था, तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट प्लस का फोर्टीन। तो ये हमारी ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन आ गई है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर फोर का ही फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार, इसमें ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर दे रखा है, दिस इज ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर। तो सबसे पहले हमें उसी क्वेश्चन का पार्ट है क्योंकि, तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले ये एपी है या नहीं, तो एपी के लिए हमें क्या सबसे पहले डी वन फाइंड करना होता है, तो डी वन हमने इन दोनों के डिफरेंस को माना था यानी ए टू माइनस ए वन, हमेशा बाद वाली माइनस फर्स्ट वाली करना है। तो ए टू की वैल्यू कितनी है, थ्री प्लस रूट टू, माइनस ए वन की वैल्यू है थ्री, ओनली वन डिजिट है तो हम इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। तो आप देखो प्लस, ये प्लस का थ्री है ये माइनस का थ्री है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट ओनली रूट टू। अब डी टू ध्यान से देखना है, इसमें ए थ्री माइनस ए टू, डी टू जो है ना इन दोनों का डिफरेंस बोल रखा है, तो ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री की वैल्यू कितनी है, थ्री प्लस टू रूट टू। अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना है कि इस नेगेटिव साइन को एज इट इज पुट करेंगे। अच्छा, इस ए टू ये खुद एक डिजिट थी तो यहाँ पे डायरेक्ट ए टू लिख दिया, अगर इस ए टू की जगह मैं दो वैल्यू लिखने जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है माइनस, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के सारे निशान चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ए टू के अंदर टू डिजिट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है, तो थ्री प्लस रूट टू हो जाएगी। अब देखो थ्री प्लस टू रूट टू माइनस, अब ये ओपन होगा इसलिए हमें ब्रैकेट लगानी जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, अब ये थ्री और थ्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमें पता है टू रूट टू माइनस ये हमारा लेफ्ट बचा है। अब ये देखो इस चीज को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे इस चीज को अगर मैं एक्स मान लू, रूट टू को अगर मैं एक्स मान लू, तो आप देख सकते हो कि ये टू एक्स माइनस एक्स टाइप का बनेगा, यानी टू एक्स में से एक्स गया तो आपको पता है एक्स आता है, और एक्स मैंने माना किसको था, रूट टू को, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। जब भी इनका पीछे वाली चीज सेम होगी तो टू एक्स माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा और फिर इसकी वैल्यू एक्स आएगी, यानी इसके आंसर जब टू रूट टू में से माइनस रूट टू घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ रूट टू हो जाएगा। ओके, एक तरीका तो ये था कि x मान के कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि इसमें से अगर, इन दोनों में से अगर मैं रूट टू कॉमन ले लूं, दोनों के पास रूट टू है तो कॉमन ले सकती हूँ, इधर बचा टू माइनस, इधर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वन होगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट टू इन टू में वन, तो दैट मीन्स रूट टू। ओके, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ भी रूट टू था, यहाँ भी रूट टू था, यानी डी वन और डी टू सेम है, डी वन इक्वल्स टू डी टू, तो ये सेम है, तो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, एपी है तो D की वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, D1 वन इक्वल्स टू डी टू है तो इसको मैं D ही बोल सकती हूँ, एक ही बात है, तो यहाँ पे D की वैल्यू रूट टू हो जाएगी। अब हमारी फोर टर्म्स तो गिवन थी, हमें A5 और निकालना है, A5 A6 एंड A7, देखते हैं अब इसको।
ए फाइव की वैल्यू ए वन प्लस फोर डी होती है, तो ए वन हमारा है 3 प्लस 4 और डी की वैल्यू हमारी आ रही थी √2। तो हमें पता है इससे ज्यादा इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। फर्दर सॉल्व जब कर पाते जब इसके पास भी √2 होता, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। यही यहीं पे मतलब इतना ही आंसर होगा इसका। अब ए सिक्स देखेंगे तो ए वन प्लस 5d होगा, ए वन की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 5 और डी की वैल्यू √2 है, तो इसको यहीं तक रहने दे सकते क्योंकि इससे ज्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा ये। ए सेवन देखेंगे तो ए वन प्लस 6d होगा, ए वन की वैल्यू 3 है प्लस 6 और डी की वैल्यू है √2, तो इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारी ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन। अब नेक्स्ट पार्ट देख, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ही सिक्स्थ पार्ट। ये हम दिस इज ए वन 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.4 × 2 लिखा हुआ है। तो दिस इज ए वन, दिस इज ए टू एंड दिस इज ए थ्री एंड दिस इज ए फोर। तो वही काम करना है क्योंकि हमें सबसे पहले चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। तो एपी चेक करने के लिए हम वही निकालेंगे, सबसे पहले डी वन यानी ए टू माइनस ए वन। तो ए टू की वैल्यू हमारी है 0.22 माइनस और इसकी वैल्यू है ए वन की 0.2। तो आपको इन दोनों को सॉल्व करना मैंने बताया हुआ है कि 0.22 को ऊपर रखेंगे माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए और पॉइंट के बाद 2 है ओनली। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। तो इसकी वैल्यू बहुत केयरफुली लिखनी है, कई बार जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसको केयरफुली सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02। अब देखते हैं डी टू की वैल्यू, डी टू मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो ए थ्री यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस यानी ए थ्री माइनस ए टू। अब देखते हैं ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री की वैल्यू हमारी 0.222 है और ए टू की वैल्यू है हमारी 0.22। तो इन दोनों को डिफरेंस करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे ओनली 2 × 2 है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद तो हम 0 कितने भी लगा सकते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका डिफरेंस करने के बाद 0.002। तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.02 था, यहाँ पे कितने टाइम्स आ रही है 0.002 यानी पॉइंट के बाद 2 × 0 आ रही है। तो ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी वन नॉट इक्वल्स टू डी टू, तो दिस इज नॉट एन ए पी और दिस इज नॉट एन ए पी के बाद हमारा काम ही खत्म हो जाता है क्योंकि ए पी ही नहीं है तो मैं आगे की टर्म्स नहीं लिख सकती, दिस इज नॉट एन ए पी। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेवन्थ पार्ट। दिस इज ए वन यानी 0, −4, −8 एंड −12। तो ये ए वन है, दिस इज ए टू एंड दिस इज ए थ्री एंड दिस इज ए फोर। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये ए पी है नहीं, तो हम डी वन निकालेंगे, डी वन मतलब ए टू माइनस ए वन, ए टू की वैल्यू कितनी है −4 माइनस ए वन की वैल्यू है 0। तो आप देखोगे किसी भी नंबर में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द सेम नंबर, यानी किस में से सब्ट्रैक्ट करें −4 से, तो वही आ जाएगा। डी टू देखते हैं, डी टू की वैल्यू हो जाएगी ए थ्री माइनस ए टू, तो −8 माइनस ये सिंबल हमारा ये वाला है साइन और इधर ए टू की वैल्यू खुद नेगेटिव है तो उसको अलग सेपरेट रखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी −8 माइनस माइनस प्लस, तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस यानी 8 में से 4 गया 4 और वो भी नेगेटिव आएगा क्योंकि 8 बड़ी डिजिट और इसके आगे माइनस साइन है। तो आपने देखा इसकी भी वैल्यू −4 आ रही है, इधर भी −4 हो रही है, तो यानी डी वन इक्वल्स टू डी टू, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एन ए पी, दिस इज एन ए पी। ए पी है तो डी की वैल्यू लिखेंगे दैट इज −4, यहाँ पे डी वन इक्वल्स टू डी टू इक्वल्स टू डी भी लिख सकते हैं। ओके तो अब यहाँ डी की वैल्यू −4 है, तो अब ए फाइव निकालेंगे तो ए फाइव की वैल्यू ए वन प्लस 4d होगी, ए वन की वैल्यू हमारी है 0 + 4 और d की वैल्यू है −4। थोड़ा केयरफुली रखना है, केयरफुली रहना है क्योंकि कई बार 4 लिख देते हैं जल्दबाजी में, तो उस चीज को ध्यान रखना है। तो 0 + −−, 4 × 4 = 16, 0 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट −16। ए सिक्स देखेंगे तो ए वन प्लस 5d हो जाएगा, ए वन की वैल्यू कितनी है 0 + 5 और d की वैल्यू है −4, तो यू विल गेट 0 + −−20, तो −20 हो जाएगा। ए सेवन देख लेते हैं, ए वन प्लस 6d होगा, तो ए वन की वैल्यू 0 + 6 और d की वैल्यू है −4, तो आप सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस का, तो माइनस का 24। तो ये हमारा ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन, तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।